चीयर्स है भाई। देखो वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। तू जिंदा भाई तू? हेलो हेलो एलविश भाई, भाई आपका जर्मन शेफर्ड बार खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है का? कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी भाई। फिर क्या करना है इसका? क्या करना है, जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में आऊंगा, पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं। पकड़ के लाता हूं। अरे हम थोड़ी देर क्या सो गए, हमारा कुत्ता घर में तो निकल गया, और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है। एक सेकंड का इलाज करते हैं आज। साढ़े क्या है? अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा। नो मैं नीचे रह, कभी काबू में नहीं आ रहा तू, देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि क्या तुमने मुझे मिस करा, यस और नो। बहुत टाइम से मैं लिख रहा था कि 2020 लोडिंग, उसका मतलब था कि हम अपने पुराने कामों पे वापस आ गए हैं। पुरानी चीजें जो हम करते थे 2020 में, बहुत आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिखाया, किसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रखे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं, भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें, आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूं ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी, तो पूरी वीडियो देखना। इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एलविश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज, तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के, वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आ गए होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है वो करता है, तुम गवार हो ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो। मैं तो ये कहता हूं ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन दे के पैसे कहां कमा सकते हैं, एमपीएल ओपिनियो पे यार। अब तुम ये पूछोगे भाई एमपीएल ओपिनियो क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। एमपीएल ओपिनियो एक ऐसा गेम है जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो, मतलब अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करो भाई। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड कप जीतेगा, यस और नो, तुम्हें लगता है यस तो यस, नो तो नो। एमपीएल ओपिनियो एक ऐसा गेम है जहां पे आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियंस देके यस और नो में बड़ा जीत सकते हो, समझ रहे हो। अब जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो, विल इंडिया विन दिस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, यस और नो, अगर तुम्हें लगता है यस जीतेगी तो यस पे क्लिक करो, अगर तुम्हें लगता है नहीं जीतेगी, जो कि मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जीतनी चाहिए अपनी, तो नो पे क्लिक करो, तुम्हारी मर्जी है वो तो। सेलेक्ट यस और नो और उसके बाद अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करो और सबमिट कर दो। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीतोगे बहुत सारा, और जो कि आप इंस्टेंटली
थ्रू यूपीआई और बैंक ट्रांसफर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे एमपीएल ओपिनियो पे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। तो आकाश बैनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर हैं जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे, सारी चीजें भाई बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे गए बाहर निकालेंगे। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, आप क्यों नहीं बक रहा भाई, बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने रफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो। आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ी कि सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोज इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिस तर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0, एक भी केस नहीं है, 0। देखो इनके ऊपर जो जो केसेस हैं वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे होगे इधर, मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें, अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल हैं, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल हैं, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं,
ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी, मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है, ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो, इस पे गौर करने वाली बात ये है। भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो, ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019, इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं SFI और DYFI। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट, सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाए मोहब्बत नाम की एनजीओ है इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं, ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूँ, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी ना किसी इंसान से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। तो जो हमारी ये एनजीओ है कारवाए मोहब्बत, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार, हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था, 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में UPA सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है। और जिसको नहीं पता, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फरम कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जॉर्ज सोरस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2020 के अंदर $100 करोड़, समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरस है जिसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। एक तो मैंने कनेक्शन आपका बता दिया आदिल अमन, दूसरा मैं आपको बताता हूं जो हमारे ध्रुव भाई की वीडियोज होती है डिक्टेटर वाली, इनकी स्क्रिप्ट कहां से आती है, इनकी टाइमिंग कहां से आती है, कौन बताता है कि आपको कौन सी वीडियो लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है, CAA के बारे में कुछ कुछ लिखता है और NRC जो कि अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था उसके बारे में झूठी खबर फैलाता है। और ठीक 3 दिन बाद
यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर CAA का जिक्र होता है और NRC को लेके झूठी खबर फैलाई जाती है। और एक बार तो वीडियो में हमारे भाई साहब कह देते हैं कि मैं भारत सरकार की नहीं मानूंगा, मैं UN की मानूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन, आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा ये नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है सेम मणिपुर दंगों के ऊपर, वो भी भारत सरकार को ही टारगेट करते हैं हमारे भाई साहब। अब तुम एक चीज देखना, हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई, जो 2 दिन का गैप है ना वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूल किट काम करती है। और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना तो एक काम करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना, टाइम चेक करना, और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है हर बारी, ऐसे नहीं कि एक बारी हो गया, 2 बारी हो गया, हर बारी। अब देखो मेन चीज ये, क्या पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले तो उससे पहले जाके देख लेना, या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले तो कैसे देखोगे, कोई नहीं स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। 1 अप्रैल 2024 को ध्रुव राठी एक वीडियो निकालता है जिसके अंदर मोदी जी को वो डिक्टेटर बोलता है, उनका कंपैरिजन वो हिटलर से करता है। कोई बात नहीं भाई, वीडियो निकालना हक है भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो, पर टाइमिंग देखो, ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना, हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है आधे फैक्ट्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज़ पोर्टल्स दिखाने हैं वो। अब मैं चाहूँ, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के पहले, वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा, समझ रहे हो, कितना पागल होगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, जो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरेस के साथ काम करता है, जिसने 8000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी PM को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए, जो कि हमारी गांधी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जो लड़की है वो भी जॉर्ज सोरेस के साथ काम करती थी। चलो कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा तड़का लग जाएगा। तुम कह रहे हो एलिस भाई ये सब चीजें तो तुम निकाल रहे कहीं ना कहीं से, अब थोड़ी और चीजें बताओ। चलो तुम्हें मैं चीज बताता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है, अभी पैसे का तो पता लग गया, और चीजें बताता हूँ। DW एक जर्मन गवर्नमेंट पेड मीडिया है, जस्ट लाइक BBC। BBC तो बहुत लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, कई लोग तो BBC पे इंटरव्यू भी देके आते हैं, हमें भी आया था मैसेज, हम गए नहीं क्योंकि थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है वो। तो भाई DW के बारे में आपको बता देता हूँ, DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, उनको प्रवोक करते हैं, उनके ऊपर मतलब इंडिया के हिंदूज मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, ऐसा DW बोलता है। और जैसे न्यूज पोर्टल्स करते हैं एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई, सिर्फ दिखाया कि कैसे हिंदूज वायलेंस करते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और साइड की स्टोरी नहीं दिखाई, कोई बात नहीं वो उनकी आदत है। आगे देखो अब तुम, इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, कि DW के लिए काम करता है इरफान मेहरा। भाई इरफान मेहरा के बारे में मैं क्या बताऊं, तुम अगर इसके बारे में सुन लोगे ना तुम कहोगे वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, और ध्रुव राठी के साथ जो इसका कनेक्शन है अल्टीमेट ही कहता है, चीता ही कहता है, तो जो हमारे चीता ही कहते हैं इरफान मेहरा है, ये पता है किस किस के लिए काम करता है, ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए और द वायर के लिए। जो इरफान मेहरा है ये आर्टिकल्स लिखता है इन्हीं न्यूज पोर्टल्स में कि कैसे कश्मीर को अलग करना है इंडिया से और कैसे एंटी इंडिया चीजें प्रमोट करनी है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे TRT ये किसने स्टार्ट किया, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। इसके अंदर कश्मीर से पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भरे हैं कि आओ आओ बच्चों लिखो,
एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, सारी चीजें करो। अब देख लो भाई, तुम बाद में मत कहना कि भाई ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, भैया सब चीज का प्रूफ है एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया, बुरा हुआ ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं एनआईए में। इनकी शेर चीता की जोड़ी तोड़ दी ना है लड़का, शेर अब चीता ही कह दें, बढ़िया काम कर रहे थे दोनों मिलके, पर नहीं, इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो झेल लो यार, इतनी बड़ी कंट्री है, झेलो थोड़ा सा प्लीज। तो भाई जो टेरर फंडिंग थी उसमें इरफान मेहरा का नाम, और ये कैसे इन सबसे लिंक्ड है, चाहे द वायर हो गया, ये जितने भी ये न्यूज पोर्टल्स मिलेंगे ना, जिसको ध्रुव राठी भाई जी आर्टिकल छापता है ना पीछे अपने, कि ये आर्टिकल पढ़ लो, द वायर का आर्टिकल पढ़ो, भैया इनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो, द वायर की कहां से फंडिंग आ रही है, टेरर फंडिंग कहां से जुड़ी है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि वो कौन से आर्टिकल दिखाता है कौन से आर्टिकल नहीं दिखाता। ध्रुव राठी भाई ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है, मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में, यार क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादीपना, जो राष्ट्रवादीपना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था, बताओ हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरा पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अब भाई देखो इसके बहुत सारे मैं फैक्ट चेक भी, पूरे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहें। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता, तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। तो हमारे ध्रुव भाई क्लेम करते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, या फिर ये भी नहीं कह रहा हो, वो कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी एजुकेटेड लोग आएंगे कहेंगे और नहीं उसने ऐसा कब बोला कि मोदी डिक्टेटर है, है? वो तो ये कह रहा है कि मोदी लेके जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। देखो मैं आपको बताता हूं कि एक डिक्टेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या नहीं करता, क्या क्या करता है, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करना बस तुम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ध्रुव भाई ने उठाया कि व्हाट्सएप पे बहुत झूठ चलता है, टेढ़े मेढ़े न्यूज आती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, और इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि वो ये सब फैलाते हैं। कोई बात नहीं, मान ली, ठीक है। तो साथ में भाई ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली, भाई ने क्या करा भैया, उन्होंने कहा मिशन 100 करोड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। उसके अंदर भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो तुम, गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है गोल्ड का रेट ऊपर नीचे करना। भाई जितने भी लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐड हो रहे हैं और ब्रेन वॉश्ड किड्स जो आजकल के कहते हैं ना भैया एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्रुव भाई से एजुकेटेड कुछ नहीं है, चीता ही कह दें, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार। सिर्फ एक बंदे के कहने पर कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए डजंट मीन कि ही इज राइट। जो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो मत करो, मैंने अपने पॉइंट रखे, तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना है। मैं कब कह रहा हूं कि ब्लाइंडली तुम उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो अपना भी दिमाग चलाओ। अभी अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। आपने अभी लेटेस्ट ने एक चीज देखी होगी, एक मीम शेयर हुआ था ममता बनर्जी ने क्या करा था, उसके ऊपर केस करवा दिया था लड़के के ऊपर, जिसने एआई का एक मीम बनाया था ममता बनर्जी के ऊपर, और उसके ऊपर मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा, भाई सीधा हमारे मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते थे। कोई बात नहीं, कर लो यार, अभी तक तुम्हें कुछ कही, तुम इंडिया गेट में दिल्ली में आके वीडियो बना के गए, भाई डिक्टेटर ने तुम्हें कुछ कही? मैं बताता हूं डिक्टेटर कौन होता, होते हो भाई तुम क्या करते हो, तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए, भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो। तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है, अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। हमारे ध्रुव भाई की एक आदत है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, पर आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोले वो आपको नहीं होता, डिक्टेटर की निशानी। इन्होंने क्या करा था,
मेरे नाम का कीवर्ड अपने कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर दिया कि मेरे नाम का कोई कमेंट ही ना आए, कि भाई को कोई क्रिटिसाइज भी ना करे कि पॉइंट गलत बोला, वो सही करा, वो सारी चीजें इन्होंने ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज, ट्विटर पे भाई साहब हमारे क्या करते हैं, ट्विटर पे तो चलो डिलीट नहीं हो सकते, उनको हाइड कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर दो हाइड, कर दो कीवर्ड, हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से इसने 20-50 हजार आदमी ब्लॉक कर दिया होगा, अभी तक मुझे नहीं करा। मेरी इंस्टा पे बात हुई थी बहुत पहले, थैंक यू यार मुझे ब्लॉक ना करने के लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ये लोगों को ब्लॉक कर देता जो भी इसको क्रिटिसाइज करता। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी ब्लॉक करा नहीं, तो बोलता भाई डिक्टेटर डिक्टेटर। भाई खुद क्या हो, तुम अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपने क्रिटिसाइज जो तुम्हें करे कि ये गलत है ये सही है वो नहीं सुन सकते, और दूसरे को तुम डिक्टेटर बताते हो। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं, ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं। देखो इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स है, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप, जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ये करते हैं थ्रेट देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे। अब जैसे हमारे ध्रुव भाई का एक स्क्वाड है जो कि हर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीडियोस को मास रिपोर्ट करवाते हैं, वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे थ्रेट दिलवाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो भाई ये डायरेक्ट अटैक भी होता है। एक यूट्यूबर है कैरोलिना गोस्वामी, उनके ऊपर भाई लाइव अटैक हुआ था, फुटेज भी पीछे चल रही होगी, मुझे तो पता नहीं एडिटर ने कैसा काम करा होगा, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता, सेम हाल हमारे ध्रुव राठी भाई का भी है। मैंने आपको बता दिया, जो भी इनके पॉइंट को काउंटर करता है, ये तो एक तो इनके बस की जवाब देना नहीं, दूसरी बात ये ब्लॉक कर देते हैं, तीसरी बात मास रिपोर्ट करवाते हैं, चौथी चीज बंदा ही खत्म भाई, डरा देते हैं बंदों को। जैसे अब बेचारी डर गई यार, गलत बात है यार, वो वेरी रॉन्ग। और जिसको तानाशाह बोल रहा है भाई उसके वहीं पे घूम रहा है, ये कैसी आयरनी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। आधी पब्लिक को पता नहीं क्या हो गया है, फौजें तैयार कर रखी हैं, बॉट्स रेडी कर रखे हैं कमेंट करने वाले की, वीडियो है भाई प्रॉपर, एक वीडियो का लिंक जाता है, जाओ भाई कमेंट करो इस पे, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, गवार बोलो इसको, इसको अनपढ़ बोलो, इसको बोलो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा। फैक्ट्स चेंज नहीं होते, आप मैनिपुलेट कर लेते हो पर फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो मेरी विनती बस लोगों से ये है कि भाई जो भी आप सुन रहे हो पूरा विश्वास मत करो, मेरा भी विश्वास मत करो, ऐसा नहीं करो मेरा मेरा करो, मेरा भी मत करो। अगर जो चीज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज यार सही नहीं है तो इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो, कितना सिंपल है। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी कोई भाई के ऊपर एक्सपोज है वीडियो निकालता है या फिर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है, किसी भी टाइप की कोई भी कंटेंट बनाता है, तो उसके नीचे एक खास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जरूर मिलते हैं। मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे ध्रुव भाई को, पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट है, ये भी बताऊंगा एंड में कि कितना काम आएगा कितना नहीं। तो बाकी मैं जितने भी मुस्लिम मेरे भाई देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि कहीं आपको लगता हो कि ये बहुत साथ दे रहा है आपका, एक बार इसके पूरा ट्वीट्स उठा के देख लो, यहाँ पे पीछे चल गए होंगे, और कुछ प्यारी प्यारी क्लिप्स देख लो। शुरुआत में इसको भाई राम जी भी काल्पनिक थे, मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, और जो जितना भी हमारा महाभारत है रामायण है ये सारी चीजें काल्पनिक थी, और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूं। और आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडल के बारे में ये क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पान संबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख, बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वी के राजवाड़े अपनी किताब मराठांचिया इतिहास ची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, श्यामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है, इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह, एक बार ताली मार देना, वीडियो रोको एक बार ताली बजा दो, बजा दी, वेरी नाइस। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा है, भाई मेरे अगर आप किसी के बारे में सही नहीं बोल सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देना सीख लो। अल्लाहु अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना, लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहु अकबर की चांट का इतनी ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहु अकबर का मतलब होता गॉड इज ग्रेट, गलत,
देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई, मैं भूल गया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में नहीं आती, मे भी आपको जर्मन ज्यादा अच्छे से आती हो। ध्रुव अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाह अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है बल्कि उन्हीं का ही गॉड है। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। अब कई लोग आके कहेंगे भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ कुछ में ही फ्री है, सब में फ्री नहीं है। हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब इनसे ज्यादा देश के लिए तो किसी के दिल में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये क्या है देखो मैं बताता हूँ, इनको हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, हमारे देश में रोड्स जो बन रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है उससे दिक्कत है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने से दिक्कत है, और यहाँ तक कि ये जो गलत मैप यूज करते हैं इंडिया का ना, जिसके अंदर पीओके पाकिस्तान में और अक्साई चीन चाइना में दिखाते हैं हर बारी। काश इतना प्यार मुझे भी होता इस देश से यार, क्यों नहीं है मुझे इतना प्यार, क्या करें, ध्रुव भाई से सीखूंगा। और देखो जिसको बहुत बड़ा भ्रम हो कि हमारे ध्रुव भाई तो इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इतना वो इतनी मेहनत करते हैं, नहीं भाई, ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में तीन बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तीनों क्या करते हैं भाई की वीडियोस एडिट करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, एपिडेमिक साउंड यूज करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है भाई। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो, डीएम मी। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया, अब इस देश में अब पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया, ये आजादी के खिलाफ है। देखो बहुत बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। खुद को एजुकेटेड बोलने वाला ध्रुव राठी, एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है पर इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता है और खूब लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने टाइम से लोगों ने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा, इसने पीएनपी कॉइन में लोगों के पैसे लगवा दिए और जब ये स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। कितना ईजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार दिस इज इंटरनेट, लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। देखो मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार अपना, इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में, मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है भाई, तो प्रॉपर टीम में था ऑफिशियल, भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे, एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी, लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। Correct, they won't question. थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैनमेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं, उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा, बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे यू नो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देखिए आपने, इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनका कंपैरिजन किससे करते हैं, हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है, जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है, इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की, तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे, उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना, तो कह दे मेरे घर वाले भी छपरी हैं, तब मानेंगे हम तो। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बोल ही देगा ये कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। भाई हाउ कैन यू कंपेयर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट टू पीपल जो गमछा ओढ़ते हैं सैफरन कलर का, कह रहे कि ये जो दंगे कर रहे हैं राम जी का नाम लेके, और ये हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन, ये बराबर है, इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। देख रहे हो कितना बड़े क्राइम को ऐसे यूं कर दिया, यूं बराबर ही तो है,
सब बराबर है, सब बराबर है ध्रुव भाई, सब बराबर है। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है, देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई इंडिया जैसे देश में जहां पे गाय को माता समझा जाता है, गौ माता की तरह पूजा जाता है, और वो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया बीफ का। आपको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वीडियो में उसने गौ माता दिखा रखी है। ऐसा नहीं है भाई, बीफ बफेलोस का भी होता है, मतलब भैंस, भैंस जो होती है ना भैंस, उसका भी होता है। बट इसने क्या दिखाया, सिर्फ गाय, जिससे कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो और लोगों का विश्वास हटेगी, अच्छा ऐसे हो रहा हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक तरफ तो तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, उसने जो दिखाया और तुमने मान लिया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे जो लेडीज होती हैं इंडिया में, औरतों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है, मतलब ऐसे होता है कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी है, जो छोटी लड़की होती है उससे गाड़ी पे पैर लगवाए जाते हैं कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी हमारी देवी माँ है। अब तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूँ दिल्ली में क्या होता है, 2013 में 3638 मामले थे, जो कि बढ़ के 2021 में 9698 हो गए, उनके साथ जो बुरा हुआ लेडीज के साथ। नहीं मैं रेप और मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें ऐसा दिमाग में लगा होगा कि भाई इतना बुरा हो रहा है लेडीज के साथ रेप वगैरह, क्योंकि विजुअल्स ऐसे दिखाए मैंने। ये सारा खेल भाई दिमाग का है, कोई कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है आपको। आधे लोग तो सोच भी लिए होंगे कि हाँ भाई यार बुरा हो रहा है लेडीज के साथ, भाई मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो ये भी गलत है, बट समझने वाली बात है, समझो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। मुझे पता है इस वाली वीडियो का बहुत लोग वेट कर रहे थे और बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई मैं एक एब्यूजिव रोस्ट बनाओ, मेरे पे बहुत डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि एलविश भाई पुराने स्टाइल में गाली गलौज करके करो। भाई नहीं, हर चीज का सोल्यूशन गाली गलौज नहीं होता, कुछ पॉइंट्स रखने पड़ते हैं प्यार से लोगों के आगे जो लोग समझ पाए, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आजकल ये 10-12 साल के बच्चे, ये ऐसे ध्रुव भाई की वीडियो आ गई, ध्रुव राठी ने बोला तो सच बोला होगा। नहीं भाई देखो, मैं ना दो तीन चीज बोलूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा। पहली चीज, आप चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे ध्रुव राठी की वीडियो देखो, चाहे किसी की भी वीडियो देखो, किसी पे ना अंधविश्वास मत करो। आपको जो चीज चेक करनी है आप गूगल पे डालो, आप लोग चेक करो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। और रही 4-5 चीजें और बताऊंगा ध्रुव राठी भाई की, मैं भाई कहते हैं कि 100 करोड़ मिशन है, इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो देखो 4 तारीख को पता लगेगा किसका सफाया हुआ है, किसका सफाया नहीं हुआ, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती, चाहे उनका ओपिनियन, चाहे उनके कॉमेंट्स, चाहे उनके वोट। और वोट से याद आया, मैंने वोट डाला, ध्रुव भाई ने वोट, ध्रुव भाई तो देश की इतनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या है ध्रुव भाई? अब नकली इंक लगा के मत आ जाना कि वोट डाला मैंने। ये देखो भाई, देश के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं हमारे ध्रुव भाई, देश को बचाओ, देश देश खतरे में है, तो वोट कर देता यार, है भाई, वोट करने तो आ जाता। सोनीपत से हो आप, हमें पता है आपका अच्छी जगह से हो, आप हरियाणा से हो, आपने वोट क्यों नहीं करा बताओ? मैं बहुत दुखी हूँ भाई, मैं वो बहुत गंदा फील कर रहा हूँ कि हमारे भाई इतना देश के बारे में सोचते हैं, देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे देश में, तो वोट क्यों नहीं करा? कोई बात नहीं, अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही कि स्वाति मालीवाल ने बोला है कि भाई ध्रुव राठी ने ना वन साइडेड वीडियो बना दी मेरे ऊपर, और जिसके चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा हेट आ रहा है और रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर ध्रुव भाई कहते हैं, अरे ऐसा तो हमारा रोज का है, हमारा तो रोज का भैया, असली सच क्या सबको पता है। सेम केस में जो मिस्टर जुबेर था, जो हमारे ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, उसने भी एक तरफा न्यूज चला के, एक तरफा आर्टिकल्स छाप के नुपुर शर्मा के ऊपर, आपको पता है भाई कैसे बेचारी, कितने डेथ थ्रेट्स आते हैं, और भगवान ना करे कुछ हो जाए, बट जिम्मेदार तो वही होगा। अब जैसे इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार हमारे ध्रुव भाई होंगे, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि आप लोग वन साइडेड वीडियो ऐसे बनाते हो अपनी एक प्रोपोगेंडा को लेके कि भैया ये चीज मुझे दिखानी है। देखो मैं पैटर्न समझा देता हूँ भाई का कैसे है। अगर मुझे किसी इंसान को गलत प्रूव करना, चलो ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी लेते हैं, वो क्या करता है, उसको किसी इंसान को गलत प्रूव करना है, तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी वो बताएगा अच्छी बातें, अच्छा है, अच्छा तुम्हें लगेगा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बताएगा। उसके बाद किसी ऐसे जने से कंपेयर करेगा जो कि बहुत सही आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, जिस जो मतलब कैसे बताऊं मैं, किसी बड़े आदमी से कंपेयर कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो गलत हो गया।
और फिर उसकी बड़ी बड़ी चीजें लेके आ जाएगा, एक तरफा ही रखेगा कि इसको गलत ही साबित करना है। अगर मुझे भाई किसी इंसान को गलत साबित करना है, आर्टिकल जो आपको लगता है ना कि भाई पीछे चार आर्टिकल आ गए वो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। जो आर्टिकल्स लिखते हैं ये भी तो इंसान ही है, कोई भगवान तो लिख के भेज नहीं रहा ऊपर से कि भैया ये आर्टिकल है ये सच्चा है, ऐसा नहीं होता। तो जो भी है भाई, मेरी अपील है पब्लिक से हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को भाई फैलाओ, लाइक कमेंट बेशक मत करो जो तुम्हारा, इसको फैलाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और बीच का जो हमारा मिड पोर्शन था उसको बहुत जनों तक पहुंचाओ। और थैंक यू सो मच हमारे भाई हैं इंजीनियर रिवील्स एंड विजय भाई, उनका यूट्यूब पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूंगा, उन्होंने भी ध्रुव के ऊपर वीडियोस बनाई है और मेरी काफी हेल्प करी है, ऑलमोस्ट 70-80% हेल्प उन्होंने ही करी है मेरी रिसर्च के ऊपर कि क्या क्या है इसके अंदर, ध्रुव राठी को कैसे कैसे एक्सपोज करना, इसने क्या क्या कर रखा कैसे नहीं कर रखा। तो थैंक्स दोनों भाइयों को मेरे, और मैं चाहता हूं कि हम एकजुट हो जाएं यार, किसी फेक प्रोपोगंडा के चक्कर में कोई आके तोड़ जाए सही नहीं लगता, तो सारे एकजुट हो जाओ, है ना, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे कोई पर्सनल हेटरेड नहीं है ध्रुव राठी से, कभी किसी को लगता हो भाई तो चिढ़ता है ध्रुव से, ध्रुव ने तो खूब तरक्की कर ली ये तो आगे बढ़ना चाहता, चिढ़ता है, ऐसा नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, जो हमारे देश के खिलाफ जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और आज से नहीं, मैं 2019-20 से ये करता आ रहा हूं, किसी को लग रहा हो अभी अभी ताजा नए नए बिजनेस में आया, नहीं भाई तब भी कोई हमें लालच नहीं था और हमें आज भी कोई लालच नहीं, उस टाइम भी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज होती थी, मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगी या फिर मास रिपोर्ट करके क्या पता वीडियो भी उड़वा दें। तो भैया इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ट्विटर पे भी मैं डाल दूंगा, मेरे हिसाब से वहां से नहीं उड़ती। तो वीडियो पे तो बहुत मास रिपोर्टिंग होने वाली है पाकिस्तान से और अलग अलग जगह से, मुझे पता है कहां कहां से होती हैं, आधी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता भी दी है। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को फैलाएं, एंड दिस इज एलविश यादव फॉर यू, थैंक यू सो मच।